Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video we will start a new topic, which is difference between balance of trade and balance of payments. This topic is related to your BCom syllabus and UGC NET and JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. Comparison works of your balance of trade and balance of payment. In first column we will discuss the basis of comparison, and second is balance of trade, and third column is balance of payment. So first we will differentiate from meaning. So what is meaning of balance of trade? Balance of trade is a statement that captures the country's export and import of goods with remaining words कि एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ किन किन गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है, इस स्टेटमेंट को किसके थ्रू डिफाइन किया जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड. देन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन डन बाय द कंट्री विद रिमेनिंग वर्ड कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है उनको किसके थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. नाउ सेकंड इज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली कि ट्रेड ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है वो सिर्फ फिजिकल गुड्स से रिलेटेड होंगे. देन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड. लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा वो ट्रेड एंड सर्विसेज दोनों से रिलेटेड होंगे. देन कैपिटल ट्रांसफ़र बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कैपिटल ट्रांसफ़र्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, वाइस वर्सा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल ट्रांसफ़र्स को इंक्लूड किया जाता है. देन विच इज़ बेटर इट गिव्स अ पार्शियल व्यू of the country's economic status. Trade balance of trade जो है वो country या economic conditions का partial view present करता है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ physical goods की transaction को ही record करते हैं, हम services की transaction को और capital transfers को excluded करेंगे. लेकिन balance of payment के अंदर हम visible आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड कैपिटल ट्रांसफ़र तीनों आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमें किसी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस का एक क्लियर व्यू देखने को मिलता है. देन रिजल्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके फेवरेबल भी हो सकते हैं, इनफेवरेबल भी हो सकते हैं और बैलेंस भी हो सकते हैं. देन दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को टू साइड्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट रिसिप्ट एंड सेकंड पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड ही होता है, यानी कि इसका जो बैलेंस है वो हमेशा ज़ीरो होगा, इनकी रिसिप्ट और पेमेंट साइड ऑलवेज इक्वल होती हैं. देन कंपोनेंट इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है उसको प्रेजेंट करती है. फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट. तो उसी तरह जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड को करंट अकाउंट यानी कि ट्रेड अकाउंट की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है, एक पार्ट है. देन बैलेंस ऑफ पेमेंट इसके दो कंपोनेंट है, फर्स्ट करंट अकाउंट एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट. अगर कोई और कंपैरिजन देखे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर रिकॉर्डेड नहीं होता, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, जिसके अंदर डिस्कस किया गया डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट.
and I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching the video.